राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, ये हमारा विकेट नोट का दूसरा वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है हमेशा हाई स्कोरिंग वाले मैचेस में आपको विकेट नोट लेना है। देखिए, जब भी कोई टीम 170 प्लस या 180 प्लस का स्कोर बनाती है, तो जो सेकेंड इनिंग वाले प्लेयर्स जब भी खेलने आते हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि स्कोर जल्दी बनाना है, रन जल्दी बनाने हैं। तो रन जल्दी बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कुछ गलत शॉट्स खेलते हैं, जिसके कारण वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप उन प्लेयर्स का बॉल नोट ले सकते हो। अब दो तरीके हैं यहाँ पे बॉल नोट लेने के, लाइक जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने दोनों ओपनर्स के बॉल नोट ले लिए, दोनों ओपनर्स के 15-15 बॉलें ओपन हुई, आपने बॉल नोट ले लिया उनका। ठीक है, टोटल बॉलें हो गई 30। अब वो प्लेयर्स जो हैं, अगर 15 बॉलें ना खेल के आउट हो गए तो आपका प्रॉफिट हो गया। अगर एक ने 15 खेली, एक ने नहीं खेली, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे। ठीक है, अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बहुत ज़्यादा ख़राब किस्मत हुई आपकी, बशर्ते ऐसा बहुत कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब किस्मत हुई, अगर दोनों ही प्लेयर्स आउट नहीं हुए, दोनों ही 15-15 बॉलें खेल गई, तो वहाँ आपका लॉस होता है, बट ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि आप टीम का बॉल नोट लो। देखिए, जब भी आप टीम का बॉल नोट लेते हो तो वहाँ ना थोड़ा मार्जिन कम होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि फर्स्ट विकेट लॉस्ट 15 बॉल्स देगा आपकी आईडी में। ठीक है, तो आपने बॉल नोट ले लिया। अगर वो प्लेयर जो है 15 बॉलें खेल जाता है, तो आपको हमेशा ये चीज़ मान के चलनी है। जब भी आप टीम का बॉल नोट लेने जा रहे हो ना, तो ये चीज़ हमेशा मान के चलना कि मेरे को 2x तक यहाँ पर जा सकता है, जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट विकेट लॉस्ट आपने 15 बॉल ली, देन वो देगा आपको 24 बोले 25 बॉल नोट। ठीक है, तो आपको 25 बॉल नोट डबल से 2x से नोट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इस कंडीशन में ना आपको ये देखना है कि बॉलर बॉल कौन फेंक रहा है। ठीक है, क्वालिटी बॉलर्स होना चाहिए। आप पावर प्ले में फर्स्ट विकेट लॉस्ट ले रहे हो, तो वो क्वालिटी बॉलर्स होना चाहिए। ये नहीं कि अब ऑडियन स्मिथ जैसा कोई बॉलर है वो बॉल फेंक रहा है, वो बॉल भी फेंकेगा भाई और रन भी खाएगा और विकेट भी नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि बॉलर जो है वो कौन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो आपको सूट करता हो, आप प्लेयर्स का बॉल नोट सूट करता हो आपको, प्लेयर्स का बॉल नोट ले लो। आपको टीम का बॉल नोट सूट कर रहा है, तो टीम का बॉल नोट ले लो। बस कहने का मतलब ये है कि अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विकेट नोट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर आप नए हो, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप प्लेयर्स का बॉल नोट ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है ऑलवेज़ टारगेट नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स। देखिए, दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं ब्रांडेड प्लेयर्स, दूसरे होते हैं नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स। अगर मैं ब्रांडेड प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, तो जैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, डेविड वॉर्नर, ये सारे प्लेयर्स जो होते हैं ना, ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं, जो रन बनाते हैं और अपनी विकेट भी इतनी ईजिली नहीं देते। ठीक है, अब नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपका आंद्रे फ्लेचर, रखीम कोनवोल और साउथ अफ्रीका का टम्बा बबूमा, ये होते हैं कुछ नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स। और ये जो नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अंडर 15 बॉल, अंडर 17 बॉल, ये मैक्सिमम टाइम आउट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के प्लेयर्स को आप टारगेट कर सकते हो और इन पर आप 2x तक जा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, 3x तक कभी किसी प्लेयर पर नहीं जाना। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको जाना है, तो बस 2x तक ही जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है हमारा, हमेशा वेट करके विकेट नोट लेना है आपको। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा वेट करके विकेट नोट लेना है आपको। जब भी कोई प्लेयर खेलने आता है, अब हर प्लेयर तो ऐसा होता नहीं है ना कि आते ही पहली बॉल से ही मारना चालू कर दिया। कुछ प्लेयर होते हैं, बट हर प्लेयर नहीं होते। ठीक है, तो जब भी कोई नया प्लेयर बैटिंग करने आता है, तो एटलीस्ट 3 से 4 गेंदे वो देखता है, बॉल भाई रुक के तो नहीं आ रही, फंस के तो नहीं आ रही, बल्ले पर सही से आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, फिर वो सिंगल डबल लेता है, देन कहीं ना कहीं जब उससे कोई लूज़ बॉल मिलती है, तो उस पर बाउंड्री मारता है। तो करते कराते वो प्लेयर जो है 8 से 9 गेंदे मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि वो खेल जाएगा। ठीक है, तो जो उसकी ओपनिंग बॉल जो उसकी ओपन बॉल्स होती हैं किसी भी नए प्लेयर की, ये 16 बॉलें 17 बॉलें होती हैं। बट जब वो 8 से 9 गेंदे खेल जाता है, तो वो बॉलें जो हो जाती हैं उसकी 24 बॉलें 25 बॉलें हो जाती है। ठीक है, देन आप उसका बॉल नोट ले सकते हो जब वो 8 से 9 गेंदे खेल जाए, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं रिस्की शॉट्स खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट शुरू से नहीं टूटना किसी प्लेयर पे, ये नहीं कि प्लेयर आया और आपने शुरू से बॉल नोट करना है, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, हमेशा आपको वेट करके विकेट नोट लेना है। अब चौथा पॉइंट है हमारा, हर बॉल पे हिट करने वाले प्लेयर्स का बॉल नोट लेना है आपको, ठीक है। देखिए कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ बट हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो आते ही मारना चालू कर देते हैं, ठीक है, ब्लाइंडली हिटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका फिन एलन हो गया न्यूजीलैंड का, वो आते ही मारता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हो गया आपका ग्लेन मैक्सवेल, आते ही मारता है, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। तो आपको इस तरीके के जो प्लेयर्स हैं ना, जो आते ही पहली बॉल से मारना चालू करते हैं, जैसे आपका वो हो गया ऑस्ट्रेलिया का कैमरन ग्रीन, ठीक है, जो आते ही पहली बॉल से मारना चालू करते हैं, आप उनका बॉल नोट ले लीजिए। इनकी 16 बॉलें, 15 बॉलें, 17 बॉलें ऐसे देगा, दो चार गेंदे खेल ले, उसके बाद फिर इनका बॉल नोट आप ले सकते हो। अब हर बॉल पर जब बंदा हिट करता है ना, तो बस एक ही बॉल तो चाहिए आउट होने के लिए उसको। कोई भी शॉट मिस मैच हुआ, गलत शॉट हुआ, तो वहीं आउट हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि आपको लाइव देखना है, आपको देखना है कि प्लेयर सच में हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने क्रिकेट स्कोर रखा है, आपने देखा कि भाई फिन एलन खेलने के लिए आ गया, चलो इसका बॉल नोट ले लो, या मैक्सवेल खेलने आ गया, इसका बॉल नोट ले लो। बस वो चीज़ नहीं करनी, आपको लाइव देखना है और देखना है कि वो सचमुच अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा पाँचवा पॉइंट है, ब्रांडेड बॉलर्स के आने पर आपको रिस्क लेना है। देखिए जिस तरीके से ब्रांडेड बैट्समैन होते हैं ना, उसी तरीके से ना ब्रांडेड बॉलर्स होते हैं। हाँ, मैं ब्रांडेड बॉलर्स की बात करूँ, लाइक जैसे अकील हुसैन, राशिद खान, जोश हेजलवुड, ठीक है, आपका मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट, ये होते हैं कुछ ब्रांडेड बॉलर्स। जब भी ये बॉल करते हैं, ठीक है, जब भी ये बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चांस क्रिएट करते हैं विकेट के, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 160 रन का स्कोर चेज करना है, ठीक है, और बॉलिंग टीम कौन है, बॉलिंग टीम है आपकी वेस्ट इंडीज़, तो क्या चांसेस ज़्यादा हैं विकेट नोट के या कम है? सामने प्लेयर वॉर्नर है, स्मिथ वगैरह है, तो चांसेस थोड़े कम है। कम क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो क्वालिटी बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ की वो क्वालिटी बॉलिंग नहीं है कि इतनी ईजिली विकेट ले सके उनकी, ठीक है। जस्ट आप वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को हटा के वहाँ पर आप पाकिस्तान के बॉलर्स रख दो, ठीक है, वहाँ पे हारिस रोफ है, हसनैन है, और मतलब और क्या नाम है, शताब खान वगैरह, ये हैं कुछ क्वालिटी बॉलर्स। जब ये बॉलिंग पाएंगे तो फिर क्या लगता है आपको, जब पाकिस्तान के बॉलर्स बॉल फेंकेंगे तो चांसेस विकेट गिरने के ज़्यादा कम है, तो वहाँ वेस्ट इंडीज़ के कंपेरिजन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं विकेट गिरने के, क्योंकि ये क्वालिटी बॉलर्स है, इनको विकेट निकालना आता है, ठीक है। तो जब भी क्वालिटी बॉलर्स बॉल फेंकने आए, आपको ध्यान रखना है कि उसके कितने ओवर्स बचे हैं और वो कब बॉल फेंकने के लिए आ रहा है, ठीक है। लाइक जब अकील हुसैन बॉल फेंकने आए, तो अभी आप पूरा बिग बैश लीग उठा के देख लो, अकील हुसैन हर बार अपने पहले पावर प्ले के ओवर में बॉल फेंकता है और वो हर बार विकेट लेके जाता है, अपने टैलेंट के ऊपर विकेट लेके जा रहा है ना भाई, उसके पास गट्स है विकेट लेने के, ठीक है। राशिद खान जब भी बॉल लेके आता है, वो कहीं ना कहीं चांस क्रिएट करता है विकेट के। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसके ओवर बचे हैं, जिनके ओवर बचे हैं वो क्वालिटी बॉलर्स हैं या कोई ख़राब बॉलर है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट है हमारा, ब्रांडेड टीम वर्सेस नॉन ब्रांडेड टीम के आने पे आपको विकेट नोट लेना। ब्रांडेड टीम मतलब वही स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वही टीम। अब स्ट्रॉन्ग टीम वही एग्जांपल ले लो, इंडिया का मैच हो गया आपका, स्कॉटलैंड से हो गया या फिर जिम्बाब्वे से हो गया, ठीक है, यहाँ आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं विकेट नोट लेने के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं आउट हो ही जाते हैं, बस अटते बस होता क्या है ना, यहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलता है। जहाँ आपको किसी प्लेयर की 17-17 बोले, 18-18 बोले ओपन होती है, तो यहाँ पे आपको 12 बोले, 11 बोले, लाइक इस तरीके से ओपन होंगी। तो आपको यहाँ करना क्या है, करना बस यही है कि उनके जो मैंने आपको बताया कि हमेशा वेट करके विकेट नोट लेना है, उनको आने दो, 8 से 9 गेंदे खेलने दो, 8 से 9 गेंदे खेलने के बाद देन आप उनको टारगेट करो, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं वो गलत शॉट खेलने की कोशिश करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरे 6 के 6 पॉइंट, ठीक है। और बाकी देखिए 100% कुछ नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हर बार होंगी, ये चीज़ें फेल भी होंगी ये चीज़ें, और मैक्सिमम टाइम बट पास होंगी, ठीक है। तो ये मत मान के चलना कि जो है वो मतलब हर बार ही पास होगा, भाई चीज़ें फेल भी होती है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें जो है वो पास होंगी। बाकी अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ मेरे से डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो, तो मैं नीचे अपना टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आइए, मेरे यूज़र नेम पे मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
बाकी ये भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने लायक, सिखाने लायक, वो धीरे धीरे फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर।